नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मैं आज एक अहम जानकारी, अहम खबर लेकर आया हूं। उस खबर पर बात करूं उसके पहले, आज 6 जनवरी पत्रकार दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मराठी पत्रकारिता के जनक बाल शास्त्री जांभेकर की आज जयंती है, और उसी जयंती के अवसर पर ये मराठी पत्रकार दिवस मनाया जाता है। मैं मेरी तरफ और अपने चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को, दर्शकों को मराठी पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मराठी का दिन है तो एक बार मराठी में कहना चाहूंगा, आज मराठी पत्रकार दिनानिमित्त सर्व बंधु भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा। तो दोस्तों, अब बात करूं मैं जो अहम विषय की बात कर रहा हूं, कि अहम विषय में लेके आया हूं, अहम एक जानकारी लेके आया हूं। तो जानकारी ऐसी है, आप सभी को मालूम है, वसई अंतर्गत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए पूर्व नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोगने का के निलंबन पर शासन की मोहर लग गई। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पत्र आपको दिखाई देगा। यह पत्र शासन से निकला है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को निकले इस पत्र में प्रदीप दामोदर मोगने, पूर्व नायब तहसीलदार वसई, उसके निलंबन पर मोहर की बात कही गई है। दरअसल जुलाई अंतर्गत 4 जुलाई को प्रदीप दामोदर मोकने का ट्रेप हुआ था, 5 जुलाई को वसई पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज हुआ था। उसके बाद में पहले चार दिन फिर दो दिन, ऐसे कुल 11 दिन प्रदीप दामोदर मोकने और इनके साथ में मंडल अधिकारी सोनावने दोनों को पुलिस कस्टडी हुई, और 11 दिन ये पुलिस कस्टडी में रहे। उसके बाद 11 दिन बाद में इनकी जमानत हुई और आज जमानत पे बाहर है। इन दोनों ही अधिकारी के एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत जब इनके ऊपर ट्रेप हुआ, इनकी गिरफ्तारी हुई, तब पालघर जिलाधिकारी ने इनका निलंबन किया, और वो सिफारिश पालघर जिलाधिकारी ने कोंकण आयुक्त को भेजा। कोंकण आयुक्त से वो महाराष्ट्र शासन के पास गई, महाराष्ट्र शासन ने उस सिफारिश के ऊपर मोहर लगाते हुए प्रदीप दामोदर मोगने के निलंबन पर मोहर लगा दी, और अगले आदेश तक, जब तक प्रदीप दामोदर मोगने और सोनावने का निलंबन है पीरियड, तब तक प्रदीप दामोदर मोगने को हर रोज पालघर जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर हाजिरी देने की बात कही गई है। साथ ही साथ इस आदेश में ऐसा कहा गया है कि प्रदीप दामोदर मोगने इस निलंबन अवधि में कहीं पर प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते और प्राइवेट कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनको जो मिलने वाला भत्ता है वो नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हुई प्रदीप दामोदर मोकने के निलंबन के ऊपर मोहर लगने की। अब आप जब भी जानते हैं, वसई अंतर्गत काफी ऐसे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो इसके भ्रष्टाचार से प्रभावित है। उनकी कई शिकायतें मेरे पास भी आई थी जब मैं सीरीज कर रहा था, और कई ऐसे मामले थे। आज उन लोगों को कम से कम शासन पर ये एक उन लोगों का शासन में विश्वास जरूर पैदा होगा कि शासन कार्यवाही कर रहा है। और दूसरी तरफ प्रदीप दामोदर मोकने जो ऐसी बातें सामने आई थी बीच में कि काफी कोशिशें कर रहा है कि मैं फिर से अपनी जॉब पर आऊं, उसके लिए फिलहाल जब तक निलंबन आदेश रद्द नहीं होता है तब तक जॉब पर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। अब प्रदीप दामोदर मोकने और सोनावने के कारना में आगे की वीडियो में आपने देखे हैं, उसके कई ऐसे उदाहरण हैं, कई सबूत हैं, कई लोग हमसे संपर्क किए, मेरे को डॉक्यूमेंट दिए, मेरे पास खुद ऐसे कई उदाहरण हैं, और इस शासन के आदेश में भी ये बात जाहिर हुई है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुद कहा है कि इनके ऊपर आरोप था, ट्रैप में रंगे हाथ पकड़े गए। अब इसी से जुड़ा एक विषय जो अभी मैं हाल ही में कर रहा हूं, वसई तहसील कार्यालय से जुड़ा ही, उस पर बात करना चाहूंगा। वसई तहसील अंतर्गत तहसील के सेतु कॉन्ट्रेक्टर मोहनदास पांडुरंग पाटिल, उसने गलत तथ्यों के आधार पर खाने वाले की सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 अ की जमीन अपने नाम पर करवाई। कुल कायदे के तहत मैं पहले की वीडियो बना चुका हूं, उसमें बताया मैंने, उसमें नए नए खुलासे और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो उसमें एक तथ्य ऐसा सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है, हालांकि उस तथ्य की मैंने शासन को कंप्लेन की है और उम्मीद है शासन उस पर कार्यवाही करेगा। दरअसल
मोहनदास पांडुरंग पाटिल यह दावा करता है उस एप्लीकेशन में कि मैं 25 साल से यहां पर खानीवाड़ी में खेती कर रहा हूं और खेत मजदूर हूं, खेती की निशानी से मेरा घर चलता है। तो यह दावा करने में उसको 5 लोग उसको ये सर्टिफिकेशन देते हैं, दाखला देते हैं कि हम जानते हैं ये यहां पर खेती कर रहे हैं। उन 5 लोगों में से मैंने अपने सूत्रों से जानकारी निकाली और हमारे पास सबूत भी है, ऐसे निश्चित ही हम उन सबूत को पुलिस के सामने, शासन के सामने रखेंगे। उसमें एक शख्स ऐसा है जिसको खुद ही खानीवाड़े में आए कुछ साल हुए, चंद साल, और उसने लिख के दिया कि मैं 25 साल से जानता हूं। यानी ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा तो है ही, घोटाला तो है ही, लेकिन घोटाले में भी घोटाला किस हद तक का वो आप समझिए। घोटाले में भी ऐसे ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जानकारी नहीं, वो लोग ये लिख के दे रहे हैं कि हम जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें शामिल है, या तो ये चीजें, या फिर उनको किसी तरह से दबाया गया है, किसी तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया है। तो उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए और ये सब मोकड़े के रहते हुआ है। मैंने जैसा अभी आगे कहा है कि मोकड़े के कुछ ऐसे प्रकरण मेरे पास भी आए जिसमें जिनकी जमीन है उनको जमीन की हकाल कर दूसरे को जमीन दे दिया गया, ऐसा लोगों का आरोप है। तो इन सब चीजों पर शासन आगे जाकर इंक्वायरी करेगा, ये उम्मीद है और करनी ही चाहिए। और साथ ही साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, उससे पहले यह कहना चाहूंगा खाली कि इन सब चीज के लिए जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी है। तहसीलदार मैडम को बार बार कंप्लेन की गई है, चाहे अभी वर्तमान तहसीलदार हो या पूर्व तहसीलदार हो, उन्होंने क्या जांच की? नहीं की। प्रांत अधिकारी, उन्होंने क्या जांच की? नहीं की। इसका मतलब इसके पीछे का कारण क्या, ये जवाब दे तहसीलदार, प्रांत ये जवाब दे, या तो वो लोग भी इसमें शामिल है या फिर वो आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पब्लिक का, जनता का उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जानकारी नहीं आई थी प्रदीप दामोदर मुकणे के निलंबन पर जो मोहर लगी, हम आपको बताने आए हैं। और रही बात जो सीरीज मोहनदास पांडुरंग पाटिल की जारी है, उसमें मैं आगे भी और खुलासे करूंगा। आज के लिए यहीं पर रुकता हूं, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।